हमारे से चोर से चोरी, मकार से मकारी। नहीं करती प्यार तो बोले ना, नहीं करती, ये क्या घटिया तरीका है। पिछले साल ब्रह्मास्त्रा जैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद रणबीर कपूर लौटकर आ चुके हैं अपनी नई फिल्म तू झूठी मैं मक्कार लेकर, जिस फिल्म में उनके साथ पहली बार देखने को मिलेगी श्रद्धा कपूर। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लव रंजन, जो इससे पहले प्यार का पंचनामा की सीरीज बना चुके हैं। और हम सब जानते हैं कि जब लव रंजन लव स्टोरी पर फिल्में बनाते हैं तो उनका एक अलग ही स्टाइल होता है, जो स्टाइल आज के समय में यूथ को काफी ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर तू झूठी मैं मक्कार का ट्रेलर देखकर साफ पता चल रहा है कि टिपिकल एक लव रंजन की फिल्म है जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। अब दोस्तों ट्रेलर में वैसे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि ऑडियंस को सिनेमा घर तक आने के लिए एक्साइट करती है, लेकिन कुछ एक चीजें जो मुझे सबसे बेस्ट लगी, पहली बात रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री, मतलब कि इन दोनों को इससे पहले हमने एक साथ नहीं देखा था, लेकिन इस फिल्म में देखकर मतलब कि ट्रेलर के अंदर देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी केमिस्ट्री एक अलग ही स्पार्क छोड़ रही है, पसंद आने वाली लोगों को इनकी जोड़ी। यहाँ पर ट्रेलर में रणबीर कपूर काफ़ी डेसिंग लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही है और अपने अपने कैरेक्टर में दोनों ही काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेलर की कुछ एक चीज़ें और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो था इसका म्यूज़िक, मतलब कि बैकग्राउंड में हम गाने सुन रहे हैं, वो गाने सुनकर साफ पता चल रहा है कि फिल्म की म्यूज़िक काफ़ी बड़ा हिट होने वाला है। साथ ही साथ इसके जो डायलॉग्स है वो भी काफ़ी कैची और काफ़ी रियलिस्टिक है। यहाँ पर श्रद्धा कपूर कहती ना कि प्यार में पढ़ना तो आसान है निकलना मुश्किल, ये डायलॉग काफी हद तक हिट कर जाता है और कहीं ना कहीं रियल वाली फील देता है। तो एक लव स्टोरी जिसमें कॉमेडी भी भरपूर देखने को मिलेगी, ये ऐसी कहानियां हमारे इंडियन ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आती है। और होली के मौके पर मतलब कि कलरफुल त्यौहार के टाइम पर ऐसी कलरफुल फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो यार ऑडियंस इस फिल्म की टिकट खरीदने के लिए सिनेमाघर तक तो जरूर जाएगी। तो कुल मिलाकर देखे जाए तो यहाँ पर तू झूठी मैं मक्कार ट्रेलर में म्यूजिक अच्छा लग रहा है, डायलॉग्स कैची है, साथ ही साथ रोमांस और कॉमेडी का तड़का, मतलब कि 2.5 घंटे की फिल्म होगी तो 2.5 घंटे तक आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। ऊपर से रणबीर कपूर जैसे एक टैलेंटेड एक्टर है तो भैया ये तो फिल्म पूरी तरह से आग लगाने वाली है। मैं इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि फाइनली इतने सालों के बाद रणबीर कपूर किसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर आ रहे हैं। इससे पहले अजब प्रेम की गजब कहानी में उनकी कॉमेडी और उनका रोमांस हम देख चुके हैं और हमें पता है कि ऐसी फिल्मों में रणबीर कपूर का काम कितना बढ़िया होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ट्रेलर जिस तरह से धमाकेदार है उसी तरह यह फिल्म भी काफी भयंकर होगी। बाकी दोस्तों तू झूठी मैं मक्कार का ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।